हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में फार्माकोलॉजी के अंदर क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। अब हम स्टडी करते हैं हम अपने क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशंस के बारे में। जो भी हमारी फार्माकोलॉजी है इसके अंदर हमारे क्रूड ड्रग को क्लासीफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मॉर्फोलॉजिकल, टॉक्सिनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल एवं कीमो एंड सेरोटॉक्सिनॉमिकल्स के आधार पे। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर जो भी हमारा क्रूड ड्रग है इसको हमने क्लासिफाइड किया है टू क्लास में, जिसमें फर्स्ट है ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग एवं सेकेंड है अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। और ये जो हमने क्लासिफिकेशंस किया है इसका बेस ये है कि जो भी हमारा क्रूड ड्रग है अगर उसके क्रूड ड्रग के अंदर अगर प्लांट या एनिमल का सेल्स प्रेजेंट है तो उसको हमने ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर रखा है, और अगर हमारे क्रूड ड्रग के अंदर प्लांट या फिर एनिमल का सेल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हमने अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर रखा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होता है इसके अंदर हमारे प्लांट्स या फिर एनिमल का सेल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हमने ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर रखा है। और इस ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग को हम डिवाइड करते हैं उस प्लांट्स के पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, वुड्स, बार्क, रूट, राइजोम्स। जबकि वही जो हमारा अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है इसके अंदर आता है ड्राइड लेटेक्स, गम, एक्सट्रैक्ट। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर आते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा सीड्स। ये जो सीड्स होता है ये हमारे प्लांट्स का पार्ट्स होता है और इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। और इस सीड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी हमारा नक्स वोमिका होता है, कास्टर होता है, एस्ट्रोम पैंथस होता है, इन सारे ड्रग का हम सीड्स पार्ट इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे क्रूड ड्रग है और इस सीड्स में हमारे प्लांट्स का पार्ट्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। प्लांट्स के लीव्स की बात करें तो उसमें आता है सेना, डिजिटेलिस, विशाखा, यूकेलिप्टस, ये जितने भी हमारे क्रूड ड्रग है इनके हम लीफ पार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। इस क्रूड ड्रग में भी हमारे प्लांट का पार्ट मौजूद है, मतलब हमारे प्लांट का सेल मौजूद है, इसलिए इसको भी हम ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। वहीं बात करें हम प्लांट्स के बार्क का तो उसके एग्जाम्पल्स है हमारा सिंकोना, सिनेमन, क्रोची, ये जितने भी ड्रग हैं इन सारे ही ड्रग का हम बार्क पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्लांट्स का, और ये भी ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर आता है। वहीं बात करें वुड्स का तो इसमें जो भी हमारा क्वेसिया है, सेंडोल वुड है, ये हमें वुड्स पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, और ये भी प्लांट्स का पार्ट्स है, इसलिए इसको भी हम ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करेंगे। वहीं बात करें जो हमारा रूट्स है इसका हम पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा रॉलफिली है, एपीके कुन्हा है, एकोनाइट है, ये जितने भी हमारे क्रूड ड्रग है इनके हम प्लांट्स के रूट पार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, और इसलिए भी इसको भी हम ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करेंगे, क्योंकि जो रूट्स होता है वो प्लांट्स का पार्ट्स होता है, इसलिए हम इसको हम क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करेंगे। वहीं बात करें राइजोम्स का तो जो भी हमारा टर्मरिक है, जिंजर है या फिर पोडोफाइलम है, ये सारे जितने भी हमारे क्रूड ड्रग है ये भी हमारे ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। वहीं बात करें हम फ्लावर्स का तो जो भी हमारा क्लोव है या फिर सेफ्रॉन है या फिर पायरीथ्रम है या फिर आर्टिमिसिया है, ये जितने भी हमारे क्रूड ड्रग है इन सारे क्रूड ड्रग का फ्लावर्स पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ड्रग को ऑब्टेन करते हैं। वहीं बात करें हम फ्रूट्स का तो इसमें एग्जाम्पल्स है हमारा कोरिएंडर, ये जो कोरिएंडल है, फेनल है, बेल है या फिर कोलोसिंथ है, ये जितने भी हमारे क्रूड ड्रग है इसके फ्रूट पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, और ये जो फ्रूट है ये भी हमारे प्लांट्स का पार्ट्स होता है, इसलिए इसको भी हम ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। वही बात करें हम ऐसे ड्रग का जिसका होल पार्ट इस्तेमाल करते हैं हम अपने क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करने के लिए, और इसके एग्जाम्पल्स है हमारा इफेड्रा, अर्गोट, बेलाडोना, ये जितने भी हमारी क्रूड ड्रग है इनके पूरे पार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, और ये भी हमारे ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल्स है। आइए अब हम स्टडी करते हैं अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का, और ये जो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है इसमें आता है हमारा ड्राई लैटिक्स, और ये जो ड्राई लैटिक्स है ये ओपियम, पेपिन, ये जितने भी हमारी क्रूड ड्रग है इसके हम ड्राई लैटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे प्लांट्स का पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। वहीं बात करें हम रेजिन्स का तो ये जो रेजिन्स है ये भी अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होता है, क्योंकि
इसमें भी हमारे प्लांट्स का पार्ट्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है बेंजोइन, टोलुबालसान या फिर एसोफोइटीटा, ये जितने भी हमारी ड्रग है ये क्रूड ड्रग में रेजिन्स का इस्तेमाल करते हैं उस पार्ट्स का। और ये जो रेजिन्स होता है इसमें हमारे ड्रग का पार्ट्स नहीं होता और इसलिए इसको हम अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। वहीं बात करें हम ड्राइड जूस का तो इसका एग्जांपल्स आता है जो भी हमारा एलोए है, किनो है, ये जो किनो एम एलोए है ये ड्राइड जूस है और इसमें हमारे प्लांट्स का पार्ट्स नहीं होता इसलिए इसको हम अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के अंदर स्टडी करते हैं। वहीं बात करें हम गम्स का तो इसके एग्जांपल्स है जो भी हमारा अकेसिया है, ट्रेगा कैंथ है, ये जो भी हमारी क्रूड ड्रग है इसके हम गम्स को इस्तेमाल करते हैं और ये अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का एग्जांपल्स है। वहीं बात करें हम ड्राई एक्सट्रैक्ट का तो इसमें एग्जांपल्स आता है हमारा जिलेटिन, कटैचू, अगार, कुकारे, ये जो कुकारे है, अगार है, कटैचू है, ये भी हमारे क्रूड ड्रग के एग्जांपल्स हैं और इसका हम ड्राई एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल करते हैं और ये अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग का एग्जांपल्स है। तो इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि जो भी हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग के बारे में, साथ ही जो भी हमारे ऑर्गेनाइज एवं अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग है उनके एग्जांपल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे टॉक्सिनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं।